स्वागत है आपका क्लास 12th प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और अब हम पढ़ रहे हैं नॉकआउट फिक्चर। नॉकआउट फिक्चर के ऊपर हमें एक एग्जांपल लेना है, ये हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है। पिछली बार हमने ऑड टीम्स ली थी, अब की बार भी हम ऑड नंबर ऑफ टीम्स लेंगे। हमने एन ले लिया यहाँ पर 17, मतलब 60 टीम्स पिछली बार ली थी, अब की बार 17 टीम्स ले ली हमने, क्योंकि ऑड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इवन, क्योंकि इवन में बहुत ही आसान सिंपल सा रूल है, वो हम साथ साथ जब आप बनाएंगे फिक्चर साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। और एक चीज हमें और बतानी है, वो है बाई। वो हम पहले बता चुके हैं बाईस के बारे में, यहां पर उसकी जरूरत भी पड़ेगी। आप डिटेल में पढ़ने के लिए पिछली वीडियो देख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में समझ लो कि बाई एक अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है टीम को किसी कि वो हायर राउंड्स में खेले डायरेक्ट बिना लोअर राउंड्स में खेले। बाय इज एन अपॉर्चुनिटी टू अ टीम टू प्ले इन हायर राउंड्स विदाउट प्लेइंग इन लोअर राउंड्स। और ऐसा किया जाता है टू एडजस्ट द फिक्स्चर। फिक्स्चर को एडजस्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिक्स्चर सबको पता है कि क्या होता है। फिक्स्चर फिक्स्चर एक प्रोसेस है अरेंज करने का टीम्स को इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और वही हम बना रहे हैं। हम टीम्स को अभी एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करेंगे जिससे कि उनके बीच में मैचेस हों। और कौन सा फिक्स्चर बनाएंगे? नॉकआउट फिक्स्चर। नॉकआउट नॉकआउट मतलब यदि एक बार कोई टीम मैच हार गई, एक भी सिंगल मैच भी हार गई, तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ऊपर से मोटे मोटे तौर पर हो गया। 17 टीम्स है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 and 17। 17 की 17 हमने टीम लिख ली। सबसे पहला स्टेप जो हमने बताया था आपको, वो ये बताया था कि सबसे पहले डिवाइड द टीम्स इनटू टू हाफ्स, आधा आधा इन्हें बांट लो। इवन है तो डायरेक्ट आधा आधा बांट लो, और ऑड है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? अपर हाफ के लिए तो फॉर्मूला है n प्लस 1/2, और लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला है n माइनस 1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स है हमारी 17, तो 17 प्लस 1 18 बटे में 2, मतलब 9, मतलब 9 टीम्स आएगी हमारी अपर हाफ में। ये हो गया हमारा अपर हाफ, और बाकी की बची हुई 8 टीम आएगी हमारी लोअर हाफ में। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप जो आपका था वो था 22 निकालना। अब 22 निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर x माइनस n, जहां पे n है नंबर ऑफ टीम्स और x है वो 2 की पावर जिसके अंडर ये आपकी नंबर ऑफ टीम्स आ जाए। समझते हैं, 2 की पावर्स बताओ पहले क्या क्या होती हैं। जैसे 2 raised to 1, 2 ही होती है इसकी वैल्यू। 2 raised to 2, 4, 2 raised to 3, 8, 2 raised to 4, 16, 2 raised to 5, 32, 2 raised to 6, 64। हमें कौन सी चुननी होगी? हमें वो चुननी होगी जिसके अंडर ये 17 आ जाए। क्या 2 raised to 4 के अंदर ही आ जाएगा? 2 raised to 4 तो 16 होता है। 16 क्या 16 के नीचे आता है 17? नहीं, 16 के ऊपर आता है। 2 raised to 5 लिया 32, क्या 32 के अंडर 17 आता है? बिल्कुल। 2 raised to 6 लिया 64, क्या 64 के अंडर भी 17 आता है? बिल्कुल आता है। अब 64 चुनू या 32 चुनू या 64 से आगे भी जितने 2 के पावर से सब में 17 आ जाता है। मुझे वो चुनना है जो जस्ट बड़ा है। जस्ट बड़ा कौन है? 2 raised to 5, दैट इज 32। 32 के अंडर ये आ रही है, तो हम पावर को लेंगे 5, 2 raised to 5 माइनस 17, दैट इज 32 माइनस 17, 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 15, 15 हमें 22 मिल गई। अब डिवाइड करना 22 को अपर हाफ में और लोअर हाफ में, तो 22 को डिवाइड किया जाता है ऐसे। अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला है वो है एनबी माइनस 1/2, और लोअर हाफ के लिए एनबी प्लस 1/2। जस्ट उल्टा टीम्स को, जैसे टीम में जैसे हमने टीम्स को डिवाइड किया था उसका जस्ट अपोजिट है 22 को डिवाइड करना। वहां पे अपर हाफ में n प्लस 1/2 था, यहां पर अपर हाफ में nb माइनस 1/2 है। अब ये nb से लगा दिया क्योंकि ये नंबर ऑफ 22 है, ये नंबर ऑफ टीम्स थी। n है नंबर ऑफ टीम्स, nb है नंबर ऑफ 22। तो nb कितनी है नंबर ऑफ 22? 15, 15 माइनस 1 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। तो अपर हाफ में 7 बाई जाएंगी, बाकी बची हुई 8 बाई जाएंगी लोअर हाफ में। 22 देने का आपको प्रोसीजर आता ही होगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले करा चुका हूं, वरना आप वीडियो को देखते हैं।
तो सबसे पहले देते हैं हम लोअर हाफ को, फिर अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, फिर अपर हाफ। कैसे? सबसे पहले लोअर हाफ के लास्ट को, फिर अपर हाफ के फर्स्ट को, फिर लोअर हाफ के फर्स्ट को, फिर अपर हाफ के लास्ट को, लोअर हाफ के लास्ट को, अपर हाफ के फर्स्ट को, लोअर हाफ के फर्स्ट को, अपर हाफ के लास्ट को, लोअर हाफ के लास्ट को, अपर हाफ के फर्स्ट को, लोअर हाफ के फर्स्ट को, अपर हाफ के लास्ट को। ये देने का प्रोसीजर है बाई को, एल यू एल यू, लोअर अपर लोअर अपर। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, बी नाइन, बी टेन, बी नाइन, बी टेन, बी एलेवन, बी ट्वेल्व, बी थर्टीन, बी फोर्टीन, बी फिफ्टीन। 15 ये हमारे पास 22 थी। ये फॉर्मूला इसलिए बताया जिससे कि आप चेक कर सको कि क्या मेरा 22 का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है या नहीं। देखो, लोअर हाफ में 8 22 जानी थी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही 22 गई हैं, और बाकी 3 और 3 6 एक 7, 7 22 गई हैं फर्स्ट हाफ में, जो कि सही है एनबी माइनस 1/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, अब उसके बाद मैचेस कराने हैं। तो देखो, बाई जिसे मिल जाती है उसका तो मैच होने का ही नहीं, क्योंकि बाई का मतलब ही क्या है? बाई जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम। प्रिविलेज बोले तो छूट बोल सकते हो, ये एक तरह की छूट है किसी टीम को कि भैया आप हायर राउंड्स में खेलोगे, लोअर राउंड्स में नहीं खेलोगे, फर्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट खेलोगे ही नहीं, तो इसका तो मैच होने का ही नहीं। फिफ्थ और सिक्स का मैच करा दिया और बाकी किसी का मैच दिख ही नहीं रहा है। अब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया मेरा, फर्स्ट राउंड में केवल एक ही मैच हुआ फिफ्थ टीम और सिक्स्थ टीम के बीच में। अब सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में